मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए क्या कह रही हैं आप ऐसी कौन सी अनहोनी बात करती है मैंने जानती नहीं है मैं बेवा हूं क्यों बेवा का दिल नहीं होता क्या उसके दिल पे मोहब्बत करने के लिए पहरे लगे होते हैं हाँ लगे होते हैं पहरे समाज के पहरे रिश्तों के पहरे बड़े खानदान के ऊंचे नाम के पहरे बहुत पहरे होते हैं भाभी दिल कौन से पहरे मांगता है भला बस भाभी बस मुझसे ही बातें ना करें बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया और संभाला है देखो माई मैं तुम्हें किसी बगावत पर आमादा नहीं कर रही मैं भी इसी घर की बहू हूं लेकिन माही मैंने तुम्हें पल पल मरते हुए देखा है तुमने अपने खानदान की मान की खातिर पहले भी तैमूर के रिश्ते को कबूल कर लिया था अपनी पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ रुखसत हो गई थी अपने सर के साईं के साथ लेकिन अगर किस्मत को तुम्हारा उसका साथ मंजूर ही नहीं था तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर नहीं नहीं सारा कुछ तो मेरा ही था सारा कसूर मेरा था मैंने उसके मासूम दिल के साथ एक खेल खेला उसे तोड़कर चकना चूर कर दी फिर उसके दिल के हजारों टुकड़ों पर आराम से पैर रखकर मैंने बोला मैं अपना घर बसाऊंगी नहीं बदो तो लगनी थी ना दो खानदान मेरी वजह से बर्बाद हो गए कोई हक नहीं है कोई हक ही नहीं है मुझे इस जिंदगी में कोई खुशी मिले मत को सुख को माही वो तो अपने आप को बर्बाद कर ही चुका तुमने भी अपने आप को बर्बाद करने की ठान ली मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वही माही जिसे चंद महीने पहले हमने रुखसत किया था अभी भी तुम्हारे कहकों और हंसी की आवाजें हमारे घर की दीवारों से टकराकर पलटती सिर्फ बाजगश्त रह गई है बाबी हंसी कह कह
खो चुके हैं भाभी। नहीं माई, ये तुम्हारी खुद साख्ता सोच है। सजा है जो तुमने अपने लिए खुद तजवीज कर ली। मत दो ये सजा खुद को, हथियार डाल दो अपनी दिल की आवाज के आगे। आज तन्हाई में बैठकर अपने दिल से एक सवाल पूछना कि इसके अंदर धड़कन बनकर कौन धड़कता है। और जब जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर पता। नहीं शाजी, अभी तो नहीं की। मैं चाह रही थी पहले आप दोनों की राय पता कर लेती। ये तो एक और इम्तिहान में डाल दिया हमें जागीरदारनी जी ने। गो ये रिश्ता मांगकर उन्होंने हमारे खानदान की फिर से इज्जत की है, लेकिन देखें बाबा सही, मुझे लगता है कि कुदरत खुद हमारे सारे मसले हल करना चाहती है। अगर सिकंदर हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है तो इलेक्शन में मेरी जीत यकीनी है। और फिर वैसे भी आज नहीं तो कल हमें माही को रुख्सत तो करना ही है। फिर सिकंदर के साथ क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खुद दोबारा हमसे रिश्ता मांगा है माही का। एक मिनट, ये मामला इतनी जल्दबाजी से तय करने वाला नहीं है। ये माही की जिंदगी का सवाल है। अभी तो इद्दत पूरी हुई है और अचानक हम उससे कहें कि वो फिर से शादी कर ले और वो भी सिकंदर के साथ, क्या सोचेगी वो? कहीं वो ये ना सोचे कि इस हादसे के बाद वो हम पर बोझ बन गई है। नहीं, उसकी मर्जी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, उससे पूछना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अगर वही इज्जत वही मान उसे इस हवेली में मिल रहा है फिर क्यों इतराज करेगी वो? और अगर वो इतराज करती है तो मेरा ख्याल है कि हमें उसे समझाना चाहिए। बाबा सही, क्यों माँ सही? शाहजी, पहले मेरे ख्यालात माही की सास के बारे में कुछ और थे, पर अब यहाँ रह के मैंने देखा है कि जागीरदारनी जी, सिकंदर के बच्चे बड़ी इज्जत करते हैं माही की, बड़ा मान देते हैं उसे। पर जब माँ के दिल से पूछती हूँ मैं शाजी, तो मेरा दिल नहीं मानता। समझ नहीं आती क्या फैसला करें। माही से पूछना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सिकंदर को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम माही से पूछो क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। ये वही तावीज है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है।
वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां आया था। तुम कहीं खो गई हो क्या? हाँ शायद, नजरों से ओझल हो जाना खो जाना ही होता है। क्यों छुपा लिया तुमने खुद को? कभी कभी इश्क ओझल हो जाने पर मजबूर कर देता है। जाहिर रहे तो बहुत सो को भाता नहीं है। उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया। सही नसीब, कैसा पैगाम? यही कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे ओझल जाने से। हो सके तो उससे रब्ता करो। काश ये सब मेरे बस में होता। सच कहा, रब्ता तो हमारे बस में नहीं होता। हम तो सिर्फ उसी से बात कर पाते हैं जो हमसे मिलने आता है। क्या आपको भी किसी का इंतजार है? इंतजार कभी कभी लफ्ज हमारी असल कैफियत बयान करने से कासिर रहते हैं। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज ईजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा है। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। इतनी आसानी से आपने अपने दिल की बात बयान कर दी है ना। वाकई दुनिया की ये सताए लफ्ज हमारे एहसास को बयान नहीं कर सकते साईं। क्या मैं आपको साईं कह सकती हूँ? आप पर कोई और लफ्ज जचता नहीं है। साईं, फकीरों को साईं नहीं कहते। इतनी इज्जत ना दिया करो मुझे। ठुकराया वो इंसान हूं मैं। नहीं, मैं आज के बाद आपको साईं कहूंगी। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगते हैं। अपना अक्स नजर आता है मुझे। रोमाना आ जाओ। मेरे लिए दुआ करेंगे साईं? वो दोबारा यहां आए और तुम्हारा पूछे तो मैं क्या कहूं? उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं। जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं, उनसे कहिएगा कि
के रूहों के दरमियान कब फासले हुए, जिसम अलबत्ता जुदा हो जाते हैं। के बीबी साहब, मेरा दिल खुशी नाल फट जासी, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। आपके कानों ने वो ही सुना है जागीरदारनी जी, जो शाहजी ने कहा। हमें सिकंदर और माई के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। शाहसाई, तू सब मेरा मान रखे है, सारी हयाती तो बद के खुशी दिती है मेरे को, तू सब एहसान मैं कभी ना भूल सक। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तो हमारी इज्जत है कि हमारी बेटी फिर से आपके खानदान में वापस जा रही है, लेकिन इसमें माही की इजाज़त शामिल होनी चाहिए। देखिए, उसने हमें कभी इनकार नहीं किया किसी बात से, बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है हमारी। मैं चाहूँगा कि इस बात का फैसला माही खुद करे। जिसा तुसा को ठीक लगे, माही मेंढी भी देती है, मैं अपनी चोली उदे अगे फैला देसा, मेरे को पता है मेंढी ती मेरा मान रखेगी। माही ते मेरे दिले च वसती है, माही मेंढी हवेली दी नूं बन जासी ते मेरी हवेली दी शान बन जासी। इंशाल्लाह। आज तन्हाई में बैठकर अपने दिल से एक सवाल पूछना कि इसके अंदर धड़कन बनकर कौन धड़कता है। आ जाओ। शायद कोई तूफान आने वाला है, देर दूर बंद कर दो दरवाजे। बुलाया था? मैं तुम्हें तंग करता रहता हूं, आज भी कुछ मसला दरपेश। आप हुक्म करें, मैं कर देता हूं। सफर आन पड़ा है, कुछ दिन के लिए जाना होगा मुझे, और पीछे सारे मामला तुमने ही देखे। जी, मैंने नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, मैं तो खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पाता सही से। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगा? वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फकीर हैं, आप किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे दें, वो बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। भाई अब क्या करें, कुरा जो तुम्हारे नाम का निकला है। कैसा कुरा? यहाँ ऐसे किसी भी मौके पर फैसला कुरा अंदाजी के जरिए ही होता है।
आज शाम भी कुरानदाजी हुई और कुरे में तुम्हारा नाम निकला है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? या ना तो कोई अपनी मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से जाता है। चंद दिनों में ही लौट आऊंगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत होना। आपने तूफान की आमद का बताते हुए कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजे खिड़कियां बंद करने से तूफान थम जाता है क्या? अच्छा काका, आने वाले तूफान तो आकर रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे खुली दर्जे तो हम अपनी तसल्ली के लिए बंद करते हैं। अच्छा, मेरे जाने के बाद नहा धोकर ये जोड़ा पहनना है, सारे रंग मिल जाएं तो ये रंग बनता है। दोरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोम हो या संग हो जा, दोरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। अल्लाह, तुम्हारी माँ ने जागीरदारनी जी की ख्वाहिश के बारे में तो तुमसे बात की होगी। देखो बेटे, हम तुम पर अपनी राय या कोई फैसला जो है वो मुसलत नहीं करना चाहते।
और ये बात भी नहीं है कि तुमको सिकंदर से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। अब इस हादसे के बाद देखो बेटा, दुनिया तुम्हें हमेशा तैमूर की बेवा की हैसियत से जानेगी और परखेगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ बेटा, जो इज्जत जो मर्तबा ये लोग तुम्हें देंगे कोई और नहीं दे सकता। एक अहम बात और भी है, इस वक्त हमें सिकंदर और उसके खानदान की सपोर्ट की जरूरत है। मेरा सियासी करियर बहुत अहम मोड़ पर है, इसे कुछ सौदेबाजी मत समझना। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें चारों जाविये से इस रिश्ते की अहमियत बताना है। बाकी मर्जी और इख्तियार तो तुम्हारा है, तुम हाँ करो या ना करो, लेकिन इस वक्त सिकंदर और माजी पर हम एहसान करने की पोजीशन में हैं, हाँ? और एहसान करना दरख्वास्त करने से लाख दर्जे बेहतर है। पर बेटा, सिकंदर से रिश्ता जोड़ने में बहुत सारी मसलहतें हैं। देखो बेटा, रिश्ता जो है वो इंसानों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है, एक मर्द और औरत के दरमियान नहीं, बल्कि मुकाम, इज्जत और मर्तबे के दरमियान होता है। और वो रिश्ता जो दो खानदानों की शान को बढ़ाए वो सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है, और सिकंदर के खानदान में ये तमाम खसूसियात मौजूद हैं। तुम आराम से सोच लो, जब फैसला कर लो तो अपनी माँ को बता देना। साहिबा मेरी बात सुन। जी आ रही। जनाब, बड़ी हवेली से न्याज आई है, देखें कहाँ रखवाऊं। कुछ खैरात और नजराना भी भेजा है। वो खुद भी आई? जी खुद तो नहीं आई, नौकरों के यहाँ भेजा है। खुद तो वो जुमेरात की जुमेरात ही हाजिरी देती हैं। जैसा इंतजाम पहले फकीर था कि मौजूदगी में होता था, बिल्कुल वैसे ही करो। पहले तो गरीब गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया करते थे, खाना लंगर दोपहर और शाम को बांट दिया जाता था। तो ठीक है, अभी भी वैसे ही मामूल रहेगा जो होता है। तुम चलो, मैं ये करके आता हूँ। जी ठीक है, आप आ जाएं, फिर हम तकसीम का काम शुरू करते हैं। लेकिन शाहजी, सिकंदर माही से उम्र में बहुत बड़ा है और उसके तो पहले से ही दो बच्चे। ठीक है, माही बेवा कहलाती है, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो बहुत कम उम्र है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि तुम समझाओ उसे, कहीं जज्बात में आके इस रिश्ते से इनकार ना करते।
साहिबा, इस वक्त हम दोनों खानदानों का जोड़ना बहुत जरूरी है, इसी में हम सबकी बेहतरी है। इन दोनों खानदान के लिए या आपकी सियासी हैसियत के लिए? एक ही बात है ना भाई, अगर मैं सियासत में कामयाब होता हूँ तो क्या ये हम सबके लिए इज्जत और शान की बात नहीं होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी, और आपकी जीत की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ शाहजी, कि हमें माही की जिंदगी और खुशियों को अपने मफादात से अलग रखकर सोचना चाहिए। साथी मफादात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर इस वक्त सिकंदर की टक्कर का कोई रिश्ता मेरी नजर में होता ना तो मैं ये बात करता ही नहीं। अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है तो बताओ मुझे, जो इन हालात में माही को अपना ले। नहीं, लेकिन देखो साहिबा, यहां से जाते ही अम्मा साई को माही के रिश्ते की फिक्र लग जाएगी, और जो जो दिन बढ़ेंगे उनकी परेशानी में इजाफा होता जाएगा, और अम्मा साई की परेशानी मैं नहीं देख सकता हूं। और वैसे भी तैमूर की मौत के बाद लोग पता नहीं क्या क्या पतवाल बोल रहे हैं, और ऐसी बात जल्दी बुलाई नहीं जाती है साहिबा। मेरे ख्याल में ये रिश्ता इस वक्त अल्लाह की कोई रहमत है। मैं हालात की नजाकत को समझती हूँ शाह, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हम किसी आम लेकिन पुरखुलूस खानदान में माही की जोड़ का रिश्ता ढूंढने की कोशिश करें जो माही को उतनी ही प्यार और इज्जत से ब्याह कर लेता है। हरगिज नहीं, ऐसी बात सोचना भी मत। माही पीर काजिम शाह की हवेली की इज्जत है, माना कि पहली बार किस्मत ने उससे वफा नहीं की, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम माही को किसी भी अरे गैरे से ब्याह देंगे। माही की शादी हमारे ही किसी टक्कर के खानदान से होगी, वरना वो सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी। और ये बात तय है, क्या चाल है, क्या अंदाज है। मैंने कहा कोई एक नजर हम पर भी डाल ले, वहीं जान दे देंगे। छोड़िए चंदा जी, तमाशा बढ़ गई है। एक मिनट रुक जा, बोलो बोलो अब किस माँ के जने को तकलीफ हो रही है, साथ घर लिए चलती हूँ। अरे नहीं खाला, हम तो आपस में बात कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दो नंबर के लुच्चे लफंगों को, जरा अपना नाम तो बताना। बोलो, अरे मैं तुम्हें सीधा सीधा थाने जमा कराऊंगी तुम तीनों को, समझते क्या हो खुद को। अरे खाला तुम मैमी खामा नाराज हो रही हो, हम तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े थे। चलो यार यहाँ से चलो, इससे पहले कोई नया मुद्दा गले पड़ जाए। छोड़िए ना चंदा जी, दफा करें। अरे शुक्र करो अभी ये मेरे से पिटे नहीं है, ऐसी मार मारती के लग पता जाता है इन कमबख्तों को। माही, एक मिनट। क्या बदतमीजी थी? वाह यार, इंसान का काम पूरा हो जाए टोन कितनी बदल जाती है ना। तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए, कोई देख लेता तो। सब तुम ही देखते रहते हैं, तुम हो ही इतनी प्यारी, थोड़ा मेरा भी ख्याल करो यार। क्या मतलब? मतलब बात करो, वादा करो। वादे तो झूठे लोग करते हैं ना, जिन्हें कभी मिलना ना, हम भला क्यों करें। बात तुम सही कह रहे हो, अच्छा चलो वादा ना सही, कोई उम्मीद ही सही। पर हाँ ये कोई वक्त नहीं है, बात फुर्सत मिलेगी तो बैठेंगे। और अगर फुर्सत ना मिली तो हो सकता है यही वो सारा वक्त हो फुर्सत का जब हम बात कर सकें।
आखिर ये लोग क्यों नहीं हमारे हाल पर हमें छोड़ देते? क्या हम जैसियों को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? बाजार की औरत की तौबा खुदा तो तस्लीम कर लेता, खुदा के बंदे नहीं तस्लीम करते। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे आसपास ऐसे कई गिद्ध हमें नोचने के लिए तैयार बैठे। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सब्र ही तो कर लिया मैंने अपनी तकदीर पर, पर ये लोग ना जाने मेरे सब्र को क्यों आजमाते। शाम ढल रही है, चिराग जला दो मजार के सारे। हाँ। क्यों मजार में चिराग जलाने और रोशनी करने के लिए भी इजाजत की जरूरत? इजाजत तो बहरहाल जरूरी है, तेल जलता है। फकीर साईं तो कभी कभी सिर्फ एक दो चिराग जलाया करते थे। वो क्यों? फकीर सही कहा करते थे, जब दिल जल रहा हो तो फिर चिरागों के जलाने की जरूरत नहीं, दिल का उजाला ही काफी है। याद रहे कल बड़ी हवेली जाना है। बड़ी हवेली? वो क्यों? बुलावा आया है। फकीर साईं जाते हुए कह के गए थे कि अगर बड़ी हवेली से बुलावा आए तो जाने से इनकार ना किया जाए। नहीं तो मेरा जाना जरूरी थोड़ी है, आप लोग हुआ ना। फकीर साईं की नुमाइंदगी भी जरूरी है, वरना वो जाते हुए ताकीद ना करते। मैं कल दोबारा यादें नहीं कराऊंगा।